हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू protectbudget.com। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बेस्ट ऑफिशियल लैपटॉप्स अंडर ₹70,000। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको फिंगरप्रिंट और बैकलाइट कीबोर्ड वाले लैपटॉप देखने को मिलेगा, जो कि प्रोफेशनल वर्क में देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात को अंधेरे में हम लोग को कभी कभी बहुत ज्यादा लेट नाइट तक वर्क करना पड़ता है, और अगर हम लोग लाइट जलाते हैं तो लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है, आंखों में बहुत ज्यादा चुभता है। इसीलिए मैं इन लैपटॉप्स को लेकर आया हूं, जिनमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलेगा, जिनके वजह से आपको लाइट जला के अपने कीबोर्ड्स को देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए काफी बेहतरीन है। और सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तब भी काफी ज्यादा सुपर है ये, क्योंकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के सारे ही लैपटॉप का अमेज़न लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको परचेस करना हो सो आप डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और जो पहला लैपटॉप है वो है एसर स्विफ्ट 3 10 जनरेशन लैपटॉप, और इसका आप लुक देख लीजिए, लुक में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एक कमाल का लुक दिया गया है इसको, आप देख ही सकते हो। स्क्रीन की जो एजेस है वो एकदम स्लिम सा है, जिस वजह से काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है ये लैपटॉप, और इसमें आपको i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि i5 10 जनरेशन में टोटल 3 टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं, सो इसमें सबसे बेसिक वाला प्रोसेसर है, जिसका बेस स्पीड है 1 GHz, मैक्स टर्बो स्पीड है 3.6 GHz, कोर है 4, थ्रेड है 8, और कैशे मेमोरी है 6 MB, और साथ ही में आपको इसमें 8 GB का रैम देखने को मिल रहा है, 512 SSD देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 10, और साथ ही में आपको इसमें एक्सटर्नल MX 250 2 GB NVIDIA ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा सही है। आप इस लैपटॉप में गेमिंग भी कर सकते हो फ्रेंड्स, और इसका डिस्प्ले है 14 इंच, और इसका वेट है 1.9 kg, बैटरी लाइफ है 13 आवर्स। हाँ फ्रेंड्स, बैटरी लाइफ कमाल का मिल रहा है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लैपटॉप है, इसलिए इतना कमाल का बैटरी इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और इसका थिकनेस है 15.9 mm, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, और इसका प्राइस है 69,000 rupees इन Amazon। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला भी सेम है एसर, लेकिन इसमें आपको AMD Ryzen 5 4500 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और इसका भी लुक सेम ही है पिछले वाले जैसा, और इसका कलर व्हाइट है सिर्फ। इसका बेस स्पीड है 2.3 GHz, मैक्स टर्बो स्पीड है 4.0 GHz, कोर है 6, थ्रेड है 6, और इसका कैशे मेमोरी है 8 MB। हाँ फ्रेंड्स, ये प्रोसेसर i5 से थोड़ा बेटर है, और इसमें भी आपको 8 GB DDR4 रैम देखने को मिल रहा है, बट गाइस ये ऑन बोर्ड रैम है, मतलब इस रैम को सोल्डरिंग करके मदरबोर्ड में सेट किया गया है, मतलब आप इसे अपग्रेड नहीं कर सकते, और ना ही इन फ्यूचर आप इसको निकाल सकते हो, यही एक डिसएडवांटेज है इस लैपटॉप का। और इसमें आपको 512 GB का SSD देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 10, बट इसमें आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, AMD का इंटरनल ग्राफिक कार्ड आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और इसमें भी आपको 14 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वेट है 1.2 kg, जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, और इसका बैटरी लाइफ है 12 आवर्स, थिकनेस है 15.9 mm, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार, और इसका प्राइस है 64,000 rupees इन Amazon। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला है Asus VBook लैपटॉप, और इसका आप लुक देख लीजिए, लुक में काफी ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सा लुक है। इसकी स्क्रीन में आपको बहुत ज्यादा पतला फ्रेम देखने को मिल रहा है, और इस फ्रेम का साइज है 6.7 mm, जो कि बहुत ज्यादा थिन है, और इसमें आपको i5 10 जनरेशन 10210U का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और ये प्रोसेसर काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, और इसका बेस स्पीड है 1.60 GHz, मैक्स टर्बो स्पीड है 4.20 GHz, कोर है 4, थ्रेड है 8, और कैशे मेमोरी है 6 MB, और साथ ही में आपको इसमें 8 GB DDR4 रैम देखने को मिल रहा है, हार्ड डिस्क है 1 TB, विंडोज 10 64-bit यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और साथ ही में आपको इसमें MX 250 2 GB एक्सटर्नल ग्राफिक देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप गेमिंग भी कर सकते हो इस लैपटॉप में, और इसका डिस्प्ले है 15.6 इंच, और साथ ही में आपको इसमें एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अगर कोई एक्सटर्नल लाइट आपकी स्क्रीन पे पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पे चुभेगा नहीं। साथ ही में आपको इसमें LED बैकलाइट भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा सुपर मिलने वाला है आपको इसमें, और इसका वेट है 1.2 kg, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, और इसका बैटरी बैकअप है 7 आवर्स, थिकनेस है 2 cm, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, और इसका प्राइस है 72,000 rupees इन Amazon। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला भी है सेम Asus, और इसमें आपको AMD Ryzen 7 4700 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, लुक में एकदम सेम है पिछले वाले जैसा, और इसका जो बेस स्पीड है वो है 2.0 GHz, मैक्स
टर्बो स्पीड है 4.10 GHz, कोर है 8, थ्रेड है 8 और कैशे है 8 MB, और इसमें भी आपको 8 GB ऑन बोर्ड रैम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप इस रैम को निकाल नहीं सकते, ये सोल्डरिंग करके आपकी मदरबोर्ड में सेट रहता है और ना ही आप इसे अपग्रेड कर सकते हो और ना ही आपको इसमें कोई एक्सटर्नल रैम का पोर्ट देखने को मिल रहा है। हार्ड डिस्क है 1 TB और ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस, और इसमें आपको कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। AMD का वेगा 7 इनबिल्ट ग्राफिक आपको इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको 14 इंच का IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन देखने को मिल रहा है। वेट है 1.4 kg, बैटरी लाइफ है 12 आवर्स, थिकनेस है 10.6 mm जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिम है, और इसका वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार, और इसका प्राइस है 68,000 rupees इन Amazon। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है Lenovo iPad S 540, और इसका भी लुक काफी अच्छा है, और इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको रोटेट करोगे, टिल्ट करोगे, तो ये 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाएगा। यही एक खास बात है इस लैपटॉप में, और इसमें भी आपको इंटेल कोर 10 जनरेशन i5-10210U का मिड रेंज का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा सही है, और साथ में आपको इसमें 8 GB DDR4 रैम देखने को मिल रहा है। हार्ड डिस्क है 1 TB प्लस 256 GB SSD, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस, और साथ ही में आपको इसमें NVIDIA MX250 का 2 GB एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, जिस वजह से गेमिंग के मामले में भी काफी ज्यादा बेहतरीन लैपटॉप है ये, और इसमें आपको 15.6 इंच का IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन देखने को मिल रहा है। वेट है 1.8 kg, बैटरी लाइफ है 12 आवर्स, प्लस आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, और इसका थिकनेस है 17 mm, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, और इसका प्राइस है 69,000 rupees इन Amazon। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला है HP Chromebook 360 लैपटॉप, और HP का इस लैपटॉप्स का तो मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक है, क्योंकि ये लैपटॉप पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है, और ये फुल्ली टच स्क्रीन लैपटॉप है, और इसमें आपको इंटेल i3-10110U का 10 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जिसका बेस स्पीड है 2.10 GHz, मैक्स टर्बो स्पीड है 4.10 GHz, कोर है 2, थ्रेड है 4 और कैशे मेमोरी है 4 MB। इसका जो बूट टाइम है वो है 10 seconds, यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि इसमें आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें आपको क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है प्लस MS ऑफिस, और इसका रैम है 8 GB, हार्ड डिस्क है 128 SSD, स्टोरेज काफी कम है इसका, और इसमें आपको इंटेल UHD ग्राफिक देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले है 14 इंच, वेट है 1.68 kg, बैटरी लाइफ है अप्रॉक्स 7 आवर्स, थिकनेस है 15 mm, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.7 स्टार। हाँ फ्रेंड्स, कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है इस लैपटॉप से, और इसका प्राइस है 58,000 rupees इन Amazon। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला है डेल इंस्पिरॉन 5501 लैपटॉप, और इसका आप लुक देख लीजिए, लुक में काफी ज्यादा बेहतरीन है, एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट है ये, कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुआ है, और लुक में काफी ज्यादा लाजवाब है, और इसमें आपको इंटेल 10 जनरेशन i5-1035G1 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि एकदम बेसिक वर्जन का प्रोसेसर है, और इसमें आपको सिंगल चैनल 8 GB DDR4 रैम देखने को मिल रहा है, हार्ड डिस्क है 512 GB SSD, और ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस, और साथ ही में आपको इसमें NVIDIA GeForce MX330U का 2 GB का एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, जिस वजह से गेमिंग के मामले में देखा जाए तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, और इसका डिस्प्ले है 15.6 इंच जो कि IPS स्क्रीन है, और साथ ही में एंटी ग्लेयर भी है ये, और इसका वेट है 1.68 kg, बैटरी लाइफ है 6 आवर्स, थिकनेस है 18 mm, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.7 स्टार, और इसका प्राइस है 73,000 rupees इन Amazon। सो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला है Avaita Liber V14 लैपटॉप, बहुत ज्यादा बजट लैपटॉप है ये, और इसमें भी आपको इंटेल कोर i5-10210U का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, साथ ही में आपको इसमें 8 GB DDR4 रैम देखने को मिल रहा है, हार्ड डिस्क है 512 GB SSD, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस, और ग्राफिक है इंटेल UHD 620 जो कि इनबिल्ट है, डिस्प्ले है 14 इंच, वेट है 1.25 kg जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, इसका बैटरी लाइफ है 10 आवर्स, थिकनेस है 19 mm, वारंटी है 18+6 मंथ्स, कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार, और इसका प्राइस है 40,000 rupees इन Amazon। हाँ फ्रेंड्स, मेरे लिस्ट का सबसे ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट है ये। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना, और अगर कोई वीडियो में गलती होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।